What if I lose everything after learning digital marketing? तो digital marketing सीखने के बाद आपके मन में एक डर हो सकता है, अगर मुझे job नहीं मिला। Digital marketing is all about creativity. अगर आपको digital marketing के अंदर अगर आपको creative बनना है, अगर creativity कुछ भी ऐसी चीजें आपको करने में, अगर digital marketing की discussion आता है तब भी मन में एक सवाल आता है। हर एक इंसान जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जो एज ए बिगिनर हैं पर आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, पर सबसे पहले ये सवाल आता है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ उसके बाद अगर मैं सब कुछ खो देता हूँ तो क्या होगा? What if I lose everything after learning digital marketing? तो digital marketing सीखने के बाद आपके मन में एक डर हो सकता है, अगर मुझे job नहीं मिला, अगर मैं business में digital marketing को enhanced करके आगे grow नहीं कर पाया, उसको skill को develop करके, अगर मैं practice में माध्यम में अगर मैं practice करता हूँ और उसके अंदर मैं fail हो गया तो digital marketing सीखने के बाद मेरा क्या होगा, अगर मैं सीखने के बाद अगर उसको काम पे नहीं लगा पाया। ऐसे बहुत सारे question आपके मन में आते हैं जब आप digital marketing सीखने के लिए जाते हैं या आप digital marketing सीख चुके होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके अंदर जो भी ऐसे questions है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, मैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे डिजिटल मार्केटिंग की कंटेंट बनाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंटेंट बनाते हैं, वीडियो इन्फ्लुएंसर की कंटेंट बनाते हैं। अगर आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस को सीखना है और अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिए ताकि आने वाले टाइम पर ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों क्या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी स्किल्स जो आपने पहले सीखा है क्या वो वेस्ट हो गया है? बिल्कुल नहीं। आपकी लाइफ में जो भी स्किल्स या एकेडमी एजुकेशन आप लेते हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो आपकी कोई ना कोई काम पे ज़रूर यूटिलाइज हो जाता है। आपने देखा होगा, आपने रियलाइज़ किया होगा, कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो आपकी नॉलेज यूज़ नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई कॉर्नर में आपका ज़रूर लाइफ में वो काम आता है, वो नॉलेज, वो स्किल्स। तो ऐसा ही डिजिटल मार्केटिंग आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा, चाहे आप जॉब के अंदर हो या बिजनेस के अंदर हो या आप फ्रीलांसिंग करते हैं या कोई भी किसी भी तरह की आप काम करते हैं उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग को आप ऐड कर सकते हैं। आप जॉब के अंदर हो तो आपकी जॉब की स्किल्स के अंदर भी आप डिजिटल मार्केटिंग को ऐड करके आपके करियर की ग्रोथ ले सकते हैं। बिजनेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेस, आप उसके अंदर अगर आप आज के डेट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे, फॉर सपोज आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो एड्स और भी बहुत सारे जैसे बिलबोर्ड्स लगते हैं। आप जब रोड में जाते हैं कार लेके या तो आप कहीं ड्राइव करते हैं तब क्या देखते हैं, बहुत सारे होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, ऐसे बहुत सारे आपको रास्ते पे, स्ट्रीट्स पे दिखाई देता है। दैट इज़ ए ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आज के डेट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग एकदम कम हो गया है, एकदम मिनिमम हो गया है। तो आज के डेट में ज़्यादातर क्या प्रोसेस हो रहा है, मार्केट में क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, आपने देखा होगा मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग का ही प्रैक्टिस हो रहा है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस हो या जॉब के अंदर, आपकी बिजनेस अगर होता है तो प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर उस स्किल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आज आप आलू बेच रहे हैं तो भी डिजिटल मार्केटिंग को स्किल्स करके, आप अपने प्रैक्टिस करके आप आलू की बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर आप गोनी गोनी सेल कर सकते हैं आलू को। अगर आप कल के डेट में सपोज रेस्टोरेंट की बिजनेस करते हैं उसके अंदर भी आपके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा, रेस्टोरेंट की जो काम है आपकी, रेस्टोरेंट के जो आप फूड सर्विस देते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं या डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाते हैं या वेब डेवलपमेंट की कोई कंपनी चलाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ आप डिजिटल मार्केटिंग को ऐड करके आपके बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं, या अगर आप जॉब करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को आप ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स के थ्रू। इसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से। ऐसा नहीं सिर्फ रटे रटा आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, ऐसा बिल्कुल काम नहीं आएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं तभी आपका काम आएगा रियलिटी में। रिजल्ट ओरिएंटेड काम अगर आप करके रिजल्ट निकालते हैं तो
आप मुझे एक बात बताइए, अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आप सोचते हैं और डर जाते हैं कि कल के डेट में मेरी करियर सेफ होगा या नहीं, तो मुझे आपसे एक सवाल करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सीख के कोई और स्किल सीखते हैं तो आपके मन में फिर भी तो डर रहेगा। तो आंसर इज, आप कोई भी स्किल सीखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप कितना रिजल्ट ओरिएंटेड, कितना आप डेडिकेटेड हुई, कितने आप डिसिप्लिन्ड हुई उस स्किल्स को अच्छे से सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी आपके हाथ से गलती होता है, जो भी सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि आपको लग रहा है कि उस चीज़ में मैं मास्टर नहीं हो पा रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, तो उसको आप अच्छे से समझिए और फिर से इम्प्लीमेंट करिए और उसके अंदर कोशिश करिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए और रिजल्ट निकालने के लिए, तभी आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई भी स्किल्स हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आज के डेट में, जहाँ पे हम घर पे बैठ के हो या ऑफिस में बैठ के हो, अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने करियर को बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और एक बात देखिए, नई चीज़ें जब भी आप लाइफ में सीखते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग क्यों ना हो, तो आपको शुरू में बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ता है। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? पैसा कमाना। बट पैसा वो कमाना, बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। बिकॉज क्या है, क्योंकि उस बारे में वो अच्छे से नहीं सीखते कैसे पैसा कमाया जाता है। अगर उसका नॉलेज इजीली आप नहीं लेते हैं और आप उसका फ्रेंड ही नहीं होते हैं, तो पैसा कमाना इजी नहीं है, वो दुनिया में सबसे कठिन काम हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको सपोज गाना गाना आता है, इफ़ यू लव टू सिंग, तो आपको गाना सीखना भी बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा सरदर्दी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है, सपोज आपको क्रिकेट खेलना है, और अगर आपको क्रिकेट खेलने में पैशन ना हो, इंटरेस्ट ना हो, आपको बैट पकड़ने में मज़ा नहीं आता हो, तो आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, आपको क्रिकेट खेलने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप उसको नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते, आगे एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ऐसा ही अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो आपको इंटरनेट फ्रेंडली होना पड़ेगा। आपको इंटरनेट फ्रेंडली होने के साथ साथ बेसिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको बेसिक इंटरनेट या बेसिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बोर फील करते हैं, इरिटेटिंग फील करते हैं, इफ़ यू नॉट फीलिंग पैशनेट अबाउट इट, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उसका फ्रेंडली होना पड़ेगा, इजी टू यूज़ होना पड़ेगा, अपने आप को इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा डिजिटल मार्केटिंग में खेलने में, तभी आपको आगे ग्रो करने में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत मजा आएगा। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको क्रिएटिव बनना है, अगर क्रिएटिविटी कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको करने में अच्छा लगता हो इंटरनेट की दुनिया पे, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा लगेगा और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी करियर को ग्रो कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश किया हो जो आपको समझ में आया होगा, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यूज़ किया है ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो अगर आपको इस सारे इन्फॉर्मेशन में थोड़ा भी काम का लगा, तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज मिलता है और उस नॉलेज को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो नॉलेज इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। तो आपको एंटरटेनमेंट लेना है या आपको नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके आगे लाइफ में ग्रो करना है, सक्सेसफुली डिजिटल मार्केटर बनना है, इट्स अप टू यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन काम का लगा, तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी भी तरह की ऐसे आप बोलना चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए, मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, वीडियो इन्फ्लुएंसर के रिगार्डिंग, और भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग हम वीडियोज़ बना रहे हैं, तो आपको वीडियोज़ मिलने में ईजी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के थ्रू और भी लोगों को मदद
जरूरत हो तो इस वीडियो को जरूर अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप की मदद ले सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, आपकी फेसबुक प्रोफाइल में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, जरूर आप इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं एक नई वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।